कुछ भी पूछने से पहले बिफोर आई आस्क एनीथिंग अबाउट द एल्बम द वेरी फर्स्ट थिंग कम्स इन माय हेड इज डू यू थिंक नेपोटिज्म एग्जिस्ट यस इट इज इट इज क्योंकि रीज़न क्या होता है आज अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे भी इंजीनियर हों डॉक्टर चाहता है उसके बच्चे डॉक्टर हों और जो डॉक्टर पढ़ाई के लिए 6 साल 7 साल 10 साल बर्बाद करते हैं तो नेपोटिज्म तो है बट सम हाउ सही भी है क्या आप मानती हैं कि कंगना ने एक नया बदलाव लाया आई ऑनेस्टली लव हर मैं सुबह एक वीडियो देख रही थी कंगना का कि जहाँ पे क्रिश ने ये क्लेम किया है कि कंगना ने उनका डायरेक्शन छीना है सो कंगना सेट कि उसको 2 फिल्में बीच में ऑफर हुई एंड दोनों फिल्में उसने छोड़ दी जिनके चार्जेस थे 10 सीआर 10 सीआर जस्ट इमेजिन एक लड़की ने अपने 2 साल दिए टाइम दिया एक्टिंग में डायरेक्शन में एट द सेम टाइम पे जो क्रिश क्लेम कर रहे हैं कि वो उनकी फिल्म थी बीच में उन्होंने क्रिश की एक फिल्म देखी NBK जो कि NTR की फिल्म थी सो अगर उन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है तो तेलुगू की वो दूसरी फिल्म कैसे कर सकते थे एट द सेम टाइम पे एंड वो भी वो छोटी फिल्म नहीं थी बड़ी बजट फिल्म है उसमें बालकृष्णा हैं आपके विद्या बालन हैं तो ये झूठ है और अगर उन्होंने सच पे डायरेक्शन किया था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं क्लेम किया जब फिल्म रिलीज़ हो गई जब लोगों ने अटेंशन देनी शुरू कर दी एंड उनको रियलाइज़ हुआ कि लोग उनको नहीं देख रहे हैं लोग उनको नहीं पूछ रहे हैं तो ये तो पॉलिटिक्स है बॉस ओके ना एल्बम के बारे में जानना चाहूँगा नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है मन मेरे को सुनने लगा मन मर्जी तो नहीं है नहीं इट्स मन मेरी है जाना चाहूँगा और वैलेंटाइन डे के दिन आज वैलेंटाइंस डे को मेरे 2 म्यूज़िक वीडियोज़ रिलीज़ हुए हैं एक मन मेरी है जो जी म्यूज़िक ने रिलीज़ किया है और एक मेरा पल पल रिलीज़ हुआ है जो कि वीनस ने रिलीज़ किया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके 2 रीज़न हैं एक तो दो सॉन्ग एक दिन रिलीज़ हों इससे बड़ा क्या है एंड सेकेंड चीज़ आज वैलेंटाइंस डे है आज प्यार का दिन होता है और मेरे दोनों गाने एकदम रोमांटिक नंबर्स हैं तो मैं तो एकदम cloud 9 में हूँ आज मुझे कोई पूछे कि मेरे पंख कहाँ हैं तो शायद मेरे पंख भी ऊपर उड़ रहे हैं मैं भी उड़ रही हूँ और क्या क्या प्लान कर रहे हैं फ़िलहाल मैंने रिसेंटली एक फ़िल्म की है नवीन बत्रा की मैंने उसमें लीड किया हुआ है और एक वेब सीरीज़ की है दीपक पांडे की उल्लू ऐप के लिए जिसमें मैं विवान भतीना के साथ हूँ और अमित बहल के साथ और पार्ट टाइम में आप मुझे फिल्म रिव्यू करते देख ही लेते हैं KRK के चैनल में थैंक यू सो मच अच्छा मैं एक दोस्तों मेरी आप सबसे एक ही दरख्वास्त है प्लीज़ मेरे सॉन्ग को लाइक करिए जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ शेयर करिए आप मीडिया पर्सन की तरह मत करिए एज अ फैमिली ट्रीट करिए हम लोग आउटसाइडर्स हैं हम लोग को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है प्लीज़ सपोर्ट करिए थैंक यू ऐसे और बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए देखते रहिए चिलैक्स